सबसे बड़ा दंगल, स्वागत है आप सभी का। चार राज्यों के चुनावी नतीजे कल आ चुके हैं, आज बारी मिजोरम की है और सबकी निगाहें मिजोरम के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि जैसे चार राज्यों के चुनावी नतीजे बहुत हैरत भरे रहे, कहा यही जा रहा है कि मिजोरम में भी वही हाल रहने वाला है। और देखिए 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ी कवरेज आप न्यूज 18 इंडिया पर देखिएगा। और ऐसे में हमारी स्क्रीन पर भी एक बार आप नजर डाल लीजिए, स्क्रीन में आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं जहां पर मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान हुआ है, उसके नतीजे आ जाने हैं और ऐसे में वहां अलग अलग पार्टीज को कितनी सीटें मिलती है वो डेटा जो सामने आएगा वो हम स्क्रीन के दाहिनी तरफ आपको दिखाएंगे। अभी टैली में आपको 000 जरूर दिखाई दे रहा है, 35 मिनट का और इंतजार कीजिए, फिर जैसे ही सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी उसके बाद ये जो आपको शून्य दिखाई दे रहा है वो फटाफट बदलना शुरू हो जाएगा। अभी नीचे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चार राज्यों के जो चुनावी नतीजे कल आए उनका समीकरण आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक तरफ मिजोरम की जो सीटें हैं उनका आपको दिखाई देगा क्या टैली चल रही है, और वही दूसरी तरफ ये जो वीआईपी कैंडिडेट है मिजोरम के वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं ये आप देख पाएंगे। बिल्कुल, तो जैसे ही गिनती शुरू होगी सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर आप देखेंगे, सबसे बड़ा दंगल में एक एक अपडेट हम लेकर आपके लिए आएंगे। मिजोरम विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होनी है, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में ये स्क्रीन पूरी तरीके से तैयार है और ये डेटा जैसे सामने आएगा इसे हम भरना शुरू करेंगे और आप दर्शकों के लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं, बस कुछ ही देर बाद, लगभग आप समझिए आधा घंटा 35 मिनट ही बचा है जब वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा और राज्य के 40 विधानसभा सीटों के परिणाम आज आने वाले हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर राज्य में किसकी सरकार बनेगी। मुख्य मुकाबला MNF, ZPM और कांग्रेस के बीच रहेगा, बीजेपी कितनी सीटें जीतती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे, टैली आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मौजूदा सरकार MNF की है, बीजेपी साथ में है, लेकिन दोनों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट इस बार राज्य में खड़े किए हैं। नजरें ZPM के ऊपर रहने वाली है, 2019 में गठन, 18 में तो पार्टी को दर्जा मिल नहीं पाया था, 19 में गठन और यही कहा जा रहा है कि 23 में चमत्कार ZPM कर सकती है और बीजेपी के खाते में कितनी सीट जाएगी ये भी दिखाएंगे आपको। और मिजोरम में अक्सर मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा है, 40 सीटों के परिणाम आज आने वाले हैं, MNF, ZPM, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला वहां देखने को मिलता है। चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आएंगे वो डेटा हम आपके सामने रखेंगे। अब आधे घंटे का वक्त महज बचा है जब वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनावी नतीजे आने के बाद मिजोरम के नतीजों पर सबकी नजर है। मिजोरम में सरकार बनाने के लिए मुख्य मुकाबला चार पार्टियों के बीच है। इसमें सत्तारूढ़ MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट, ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी शामिल है। MNF, ZPM और कांग्रेस सभी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो MNF ने 27 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, जबकि एक साल पहले ही 2017 में बनी नई नवेली ZPM 8 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने 4 और बीजेपी ने 1 सीट जीतकर मिजोरम में पहली बार जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार देखना होगा कि जनता अपना विश्वास किस पार्टी पर जताती है, MNF के जोरम थांगा अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर पूर्व IPS लाल दुहुमा के नेतृत्व में ZPM पार्टी सत्ता में आती है। हालांकि 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में इस बार नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ MNF और बीजेपी अलग अलग चुनावी मैदान में है। फिलहाल MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट बीजेपी की अगुवाई वाली NDA की सहयोगी पार्टी है। इसके बावजूद MNF और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। MNF सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं बीजेपी ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इससे पहले 2018 में भी दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। मिजोरम बीजेपी के अध्यक्ष वनलाल मुआका पहले ही पार्टी के कई सीटों पर जीत का दावा कर चुके हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को ही आने वाला था, लेकिन बाद में चुनावी नतीजों की तारीख बदलकर 4 दिसंबर को दिया गया था। हालांकि इस बार मिजोरम में ऐसी कई सीटें हैं जहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। उन्हीं में आइजोल पूर्व एक ऐसी सीट है जिसके नतीजे पर सबकी नजर टिकी है।
इस सीट से राज्य के सीएम जोरम थांगा और जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM के उपाध्यक्ष लाल थानसांगा के बीच मुकाबला है। जोरम थांगा पहली बार 1987 में चंफाई सीट से विधायक और 1988 में पहली बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। वहीं तुईचांग सीट पर उप मुख्यमंत्री और MNF के उपाध्यक्ष टॉन लुइया का मुकाबला ZPM के W छोनामा और कांग्रेस के सी लाल रियात पुइया से है। डंपा सीट